नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाडी और सिलसिला बाजारों का में चर्चा करेंगे यहां पर कम्युनिटी बाजार के बारे में। जानेंगे कि आज कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है, कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है और कम्युनिटी बाजार में कहां पर कितने कमाई के मौके हैं, कहां पर कैसी अपॉर्चुनिटीज आज देखने को मिल रही हैं और इस पर रूपा मेहता की क्या राय रहेगी, ये सब डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले सोने और चांदी से। तो नॉन एग्री कम्युनिटीज में देख रहे हैं कि सोना चांदी MCX पर तो हरे निशान पर ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। इसके साथ इंटरनेशनल मार्केट की बात की जाए तो इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट में भी आज देख रहे हैं कि सोना $1900 पर ट्रेड कर रहा है 2.25% की बढ़त के साथ। वहीं सिल्वर भी 3.5% की बढ़त के साथ $23.1 पर ट्रेड करती नजर आ रही है। देख रहे हैं कि गोल्ड और सिल्वर में आज निचले स्तर पर खरीदारी देखने को मिली है। आपको बता दें कि अक्षय तृतीया के मौके पर भी सोने चांदी में इतनी खरीदारी नहीं देखने को मिली थी एक्सचेंजेस पर, जितनी तेजी आज देखने को मिली है जिस हिसाब से। और दूसरा, अमेरिका फेडरल बैंक ने, यानी कि यूएस फेड बैंक है, उसने 0.5% की जो तेजी है ब्याज दरों में बढ़ोतरी है वो कर दी है। तो यानी कि अब कुल मिलाकर 0.75% इंटरेस्ट रेट हो चुका है। इसका असर सोने चांदी की कीमतों पर पड़ना चाहिए था, सोने चांदी की कीमतों पर दबाव पड़ना चाहिए था, लेकिन देख रहे हैं कि यहाँ पर उसका उल्टा होता नज़र आ रहा है और सोने चांदी में यहाँ पर बढ़त बनती नज़र आ रही है। दूसरा, RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी रेपो रेट में बढ़ोतरी की है। 40 पॉइंट की जो बढ़ोतरी है रेपो रेट्स में RBI ने वो की है और अब जो रेपो रेट है 0.44% देखने को मिला है। यानी कि अब आपका जो EMI है और जो बैंक को जो बोरोइंग फैसिलिटी होती है उसमें और दबाव बनेगा, यानी कि वो और महंगे पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर ऐसे में सोने चांदी की जो कीमतें उस पर भी असर पड़ना चाहिए था, लेकिन देख रहे हैं कि यहाँ पर इतना असर देखने को नहीं मिला है। गोल्ड और सिल्वर जो हैं वो अभी भी सपोर्ट लेवल्स पर ही ट्रेड करते नज़र आ रहे हैं और निचले स्तर पर सोने चांदी की कीमतों में यहाँ पर खरीदारी लौटी है। बात करें यहाँ से अगर कच्चे तेल की तो देख रहे हैं कि WTI $108 पर है, ब्रांड क्रूड ऑयल $110 पर। देख रहे हैं कच्चे तेल में भी बढ़त देखने को मिली है। तो आज सोना चांदी कच्चा तेल और बेस मेटल्स का बाजार कैसा रहेगा, जान लेते हैं रूपा जी से। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका मार्केट MC पर। जी शुक्रिया। रूपा जी, RBI ने भी रेपो रेट में बढ़ोतरी कर दी है 0.44% की। अभी जो US फेड है, US फेड ने भी 50 basis points की बढ़ोतरी कर दी है। ऐसे में सोने चांदी पर नकारात्मक असर पड़ना चाहिए था, सोने चांदी की जो प्राइसेस हैं वो नीचे की ओर जाने चाहिए थे, लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि सोने चांदी में यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है। आपको ऐसा क्या, आपको क्या लगता है ऐसा गोल्ड और सिल्वर में क्यों देखने को मिला? देखिए, डॉलर के अंदर वीकनेस आ चुकी है, इस वजह से गोल्ड जो है वो सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दिया है। और ये तय था कि अगर फेड की तरफ से इंटरेस्ट रेट में बढ़ोतरी की जाती है तो डॉलर जो है वो थोड़ा वीक होता हुआ नजर आ सकता है और उसका असर सोने चांदी के ऊपर पॉजिटिव आता हुआ दिखाई दिया है। लगातार हम सोने को प्रेशर में देख रहे थे, लेकिन आज हमने देखा कि जब बाजार खुले तो 1-1.5% की तेजी के साथ घरेलू बाजार खुलते हुए दिखाई दिए हैं। वहीं 30-32 डॉलर की तेजी विदेशी बाजारों में भी देखने को मिली है। तो अभी थोड़ा सा एक डर का माहौल है जिसकी वजह से निवेशक जो है वो सुरक्षित निवेश की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि सोने में तेजी बनी है और इसी के साथ चांदी भी 3% के आसपास की तेजी दिखाती नजर आ रही है। देखिए, लॉन्ग टर्म आउटलुक हमेशा ही सोने का पॉजिटिव रहा है और अभी भी मार्केट जो है उसी रेंज में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, 50,000 से 52,000 की रेंज में। और इसके ऊपर का अगर ब्रेकआउट होता है तो वापस में नई तेजी रहेगी और लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें निवेश करें, जो भी डिप मिले उसमें खरीदारी की तरफ ही रहना चाहिए क्योंकि माना जा रहा है कि आगे चलकर सोना जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अच्छा रिटर्न देता हुआ दिखाई दे सकता है। वहीं चांदी की भी बात करें तो 64,000 से लेकर 68,000 के घरों में कारोबार करती दिखाई दे सकती है, तो दोनों में ही निचले स्तरों पर खरीदारी करके चला जा सकता है। जी, यही से रूपा जी बात करें अगर कच्चे तेल की तो कच्चे तेल देख रहे हैं कि WTI $108 पर और ब्रेंट क्रूड ऑयल $110 पर ट्रेड करते नजर आ रहे हैं। रूपा जी, जिस हिसाब से चाइना लॉकडाउन में है और चाइना की तरफ से डिमांड कम है तो ऐसे में कच्चे तेल में नरमी आनी चाहिए थी और जबकि मार्केट की जो सप्लाई है कच्चे तेल की वो भी टाइट ही है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं ऐसे में इसका उल्टा देखने को मिला है, कच्चे तेल में यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है, कच्चे तेल में नरमी आने की बजाय यहाँ पर तेजी का रुख क्यों बना?
देखिए सप्लाई अभी टाइट है और डिमांड अभी भी हावी है, नो डाउट चाइना में थोड़ा बहुत लॉकडाउन की स्थिति बनी थी जिसकी वजह से हमने कच्चे तेल में प्रेशर आते हुए देखा था, लेकिन वापस से कच्चा तेल जो है ऊपरी स्तरों पर सस्टेन करता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि डिमांड फैक्टर्स अहम रोल प्ले कर रहा है और दूसरा सप्लाई काफी टाइट है और जो ये यूक्रेन और रूस की वजह से बैन लगा हुआ है उसका भी असर अब मार्केट के ऊपर एक बार फिर से आता हुआ दिखाई दे रहा है जिसकी वजह से लगातार प्राइजेस जो है ऊपर सस्टेन है। और अभी भी देखें तो इंटरनेशनल मार्केट एक रेंज में है, कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट आया नहीं है। 108 $110 एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऊपर में सस्टेन कर सकता है, इनफैक्ट $120 तक भी तेजी में जा सकता है और नीचे में $90 है, तो फिलहाल यही रेंज बनती हुई दिखाई दे रही है और इसी रेंज में हमें एक्सपेक्टेड है कि मार्केट बनी रह सकती है। फिलहाल के लिए कच्चे तेल में निचले स्तरों पर बाइंग की रणनीति होनी चाहिए और न्यूज बेस्ड मार्केट है, काफी वोलेटाइल है, तो स्टिकली स्टॉप लॉसेस के साथ इसमें बाय करके चला जा सकता है जी। यहीं से रूपा जी देख रहे हैं बेस मेटल्स में भी यहाँ से कुछ खरीदारी लौटी है, आपको क्या लगता है बेस मेटल्स में आज इंट्राडे में कैसा कारोबार देखने को मिल सकता है? देखिए बेस मेटल में भी थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ है मार्केट, लेकिन अभी भी करेक्शन की तरफ ही, आप देखिए कॉपर 800 के नीचे लुढ़क चुका है, अब जब तक 800 के ऊपर नहीं जाता तब तक लंबी तेजी फिलहाल बनती दिखाई नहीं देती है, नीचे में 760 तो ऊपर में 780 की रेंज है। हाँ इंट्राडे में शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी बाइंग की बनाई जा सकती है, 760 के स्टॉप लॉस के साथ करेक्शन पर इसमें बाय किया जा सकता है, ऊपर में 780 निकलता है तो आपको 788 790 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं जी। रूपा जी हमने रिसेंटली ही नेचुरल गैस को इंटरनेशनल मार्केट में हाई लगाता हुआ देखा था, $8 के ऊपर ट्रेड करती नजर आई थी, आज भी देख रहे हैं नेचुरल गैस $8 के ऊपर है, इनफैक्ट $8.50 पर ट्रेड करती नजर आ रही है 2% की बढ़त के साथ। रूपा जी देख रहे हैं नेचुरल गैस ने एक और अपना नया हाई लगा दिया है, ऐसे में आपको क्या लगता है अब नेचुरल गैस का बाजार यहाँ से $9 या उसके ऊपर भी जाएगा या फिर यहाँ से जो कीमतें हैं उनमें मुनाफा वसूली बनेगी? देखिए अभी फिलहाल बाजार जो है वो सारा ही पॉजिटिव है और एनर्जी सेक्टर की बात करें तो उनमें तेजी का ही रुझान है। देखिए हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 600 के ऊपर मार्केट निकल सकता है, इनफैक्ट 600 के बाद हमने देखा एक अच्छी रैली में और 648 तक आ चुका है, अब यहाँ पर 660 तक की एक रेंज बनती दिखाई दे रही है ऊपर में, तो फिलहाल के लिए 660 का सर संभव है कि टच हो सकता है, उसके ऊपर निकला तो आपको फिर 680 से 720 के भी सर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अभी तक जब तक एनर्जी संकट है तब तक प्राइजेस जो है वो ऊपरी स्तरों पर बने रह सकते हैं, शॉर्ट टर्म करेक्शन आ सकती है लेकिन ट्रेंड जो है वो लगातार पॉजिटिव बना रह सकता है जी। रूपा जी नॉन एग्री कमोडिटीज में टॉपिक्स क्या देना चाहेंगी, देख रहे हैं कि आज नॉन एग्री का बाजार हरा भरा दिख रहा है। देखिए बिल्कुल आज हरा भरा है मार्केट, तो इसी में ट्रेंड के हिसाब से आज बाइंग में रहना चाहिए, सोना चांदी दोनों भी कमोडिटी में बाय कर सकते हैं, 51,400 तक सोना ऊपर जाता हुआ दिखाई दे सकता है, सेम एज इट इज चांदी भी 64,200 से लेकर 64,500 का स्तर छूती हुई नजर आ जी। तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कम्युनिटीज की।